शनिवार का दिन शनिदेव का होता है। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। नाराज होने से राजा को रंग बना देते हैं तो खुश होने पर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शनिदेव को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय से किए गए काम से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की नियमानुसार पूजा और व्रत करने से शनिदेव की कृपा होती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य पर कई तरह के संकट आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बना हुआ काम बिगड़ जाता है। खासकर शनिवार को तो कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आपको शनि को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने के साथ विशेष पूजन विधि से शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव के प्रसन्न होने पर आपके जीवन के हर दुख का अंत हो जाएगा। शनिवार के उपाय। अचूक उपाय। ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर पीपल को छूकर प्रणाम करने के बाद सात परिक्रमा करें। शनिवार को तेल से बने पदार्थ भिखारी को खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शाम को अपने घर में गुगुल का धूप जलाएं, भिखारियों को काले उड़द का दान करें, जल में काले उड़द को प्रवाहित करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। चींटियों को गोरज मुहूर्त में तिल चौली डालें। शनिवार के दिन उड़द तिल तेल गुड़ का लड्डू बना लें और जहां हल न चला हो वहां गाड़ दें। शनिवार की रात में रक्त चंदन से ओम हवि भोजपत्र पर लिखकर नित्य पूजा करने से अपार विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार को काले कुत्ते काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाने डालने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। वो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म का अच्छा फल तथा बुरे कर्मों का बुरा फल प्रदान करते हैं। लेकिन कई अनजाने में कई ऐसे काम हो जाते हैं जिनके कारण हमें बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे शनि देव नाराज हो जाते हैं। ऐसे में शनिवार को ऐसे कामों से बचने की कोशिश करें। शनिवार को न करें ये काम। शनिवार के टोटके। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को सरसों का तेल का दान करना या उसका दिया जलाना लाभदायक होता है, परंतु इस दिन सरसों का तेल खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और न ही दुकान से खरीदना चाहिए। पहले से खरीद कर रखे हुए तेल का ही उपयोग करना चाहिए। शनिवार को लोग सरसों के तेल के साथ काला तिल भी दान करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि तेल की ही तरह काला तिल भी शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकते हैं। शनिवार को लोहा या लोहे से बने सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे का दान करना उचित है, परंतु खरीदना उचित नहीं माना जाता है। शनिवार को जूते चप्पल का दान करने से शनि के दोष दूर होते हैं, परंतु ध्यान रखें कि इस दिन किसी व्यक्ति से जूते चप्पल का उपहार ना ले और न ही दे। गरीब कमजोर या वृद्धा का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं उन्हें परेशान करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति से शनि देव कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। शनिवार के दिन उत्तर और पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, ये आपके जीवन में कष्ट का कारण बन सकती है।